सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशीष सैनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। भैया आज 6 जुलाई और टाइम हो चुके हैं अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं। ऑलरेडी मेरे पास ऑफिस से 2-3 कॉल आ चुका है और नागेंद्र भी आया हुआ था घर पे, अभी वो भी ऑफिस पे मिलेगा। फटाफट से चलते हैं यार, वहाँ का काम निपटाते हैं, फिर मेरे को जाना है चारबाग एक अपना सामान रिसीव करने के लिए। थोड़ा सा अभिनव आ जाएगा, उसके साथ जाएंगे, क्योंकि अगर गाड़ी से जाएंगे तो चारबाग में बहुत टाइम लगेगा, मेरे को फंस जाएंगे और डिले हो जाएगा ऑफिस का भी सारा काम। फटाफट से चलते हैं, निपटाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज, अभी टाइम हो चुके हैं दोपहर के 2 बजने वाले हैं भाई, और हम लोग निकल रहे हैं अभी चारबाग के लिए। नागेंद्र भाई हमारे आज ऑफिस आए हुए हैं और चारबाग पे हमको एक पार्सल रिसीव करना है जो कि आ रहा है कानपुर से, तो कुछ सामान मंगवाया है भैया लेकर के आ रहे हैं वहां से, और फटाफट से उसको रिसीव करते हैं। यार मौसम बहुत गंदा हो रखा है, अभी बारिश हुई, अभी फिर धूप हो चुकी है, हालत खराब है पूरी तरह से, भूख भी लग रही। क्यों ना गे भाई, कहीं पहले कुछ खाएंगे नहीं कुछ, अभी पहले चलते हैं भाई, पहले मौसम का थोड़ा मिजाज देखते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे कि क्या और पियेंगे वो डिसाइड करते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और अभिनव का कॉल आ रहा है, रिसीव कर लेते हैं फटाफट से। तो यार चारबाग पहुंच चुके हैं अभी, लेकिन भैया काफी वेट करवा दे रहे हैं, आज टाइम लग गया इनको काफी ज्यादा आने में। अभी वो अमौसी पहुंचे हैं, अमौसी से यहाँ आने में उनको मान के चलते हैं कि लगभग टाइम लग जाएगा ठीक ठाक, हाँ आधे घंटे मान लें, फिर भी आधे घंटे। नागेंद्र को इतनी जोर की भूख लगी हुई है, नागेंद्र जो है पूड़ी पैक कराने आ चले गए हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरा आज फेवरेट खाना था पराठे और सूखे आलू बने हुए थे घर पे, वो मैं टिफिन घर पे ही छूट गया मेरा, मैं जब शूज़ पहन रहा था तो मैंने घर पे ही छोड़ दिया। अभी मैडम को कॉल किया है बट कॉल उठाया नहीं उन्होंने कि टिफिन घर पे रह गया है। सामान जो था हम लोगों ने ले लिया है अभी, और बड़ी मशक्कत बहुत देर इंतजार करने के बाद में सामान मिल पाया। अब हम लोग पहुंचे हैं अभी हजरतगंज में, मौसम बहुत अच्छा है, बादल हो रखे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसा लग रहा है मौसम के बारे में बताते रहते हैं नागेंद्र की, लग रहा है मौसम विभाग से वो नहीं होते हैं जो खबर देने वाले, कैसा बन गए हमें भी यही लग रहा है काला, ऐसा मौसम नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया था, जॉब वगैरह हमें लग रहा है वहाँ पे जाके हम लोग को देना पड़ेगा इंटरव्यू देना पड़ेगा कि आपके मौसम का आकलन हम लोग कर रहे हैं, कब धूप निकली, कब छांव हुई, कब बारिश हुई। बारिश तो खैर लखनऊ में होती कहाँ है, कहने भर की है। चलिए आपको दिखाते हैं यूपी की विधानसभा, विधानसभा के सामने हम लोग पहुंच चुके हैं, मस्त नजारा है इस टाइम पे, और नागेंद्र भाई से भी हम कहेंगे बैक कैमरे से दिखवाएं फटाफट से। गाइस हजरतगंज चौराहे पर है, और नागेंद्र भाई उधर कैमरा करके दिखाओ, ये नो प्लास्टिक के लिए, आप प्लास्टिक का यूज ना करें, इसका एक रावण बनाया गया है नगर निगम के थ्रू, और एक ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या मुहिम चलाई गई है नगर निगम की तरफ से कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें,
और इस रोड पे नागेंद्र भाई गाड़ी बहुत उठाई जाती है। हाँ, रॉन्ग यू टर्न जो लेकर के रॉन्ग साइड से आ रहे होते हैं। सही कह रहे हैं आप, हम तो सही कह ही रहे हैं। ये देखो सब व्यवस्थाएं खड़ी है इधर, उसके बाद भी इंसान नहीं मानता है। ये हमारा नवाबों का शहर है ना, यहाँ हर तरफ आप चल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहुँचते हैं ऑफिस। चार बज चुके हैं अब, थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हुई है, मौसम बेहतरीन है और अभिनव भाई हमारे साथ में एक बार फिर से हम लोग मौसम वैज्ञानिक बन गए। अभिनव भाई आज आदर्श भाई आज गोरखपुर घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बढ़िया चाय नाश्ता कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, और कल आएंगे कि परसों आएंगे भी कुछ पता नहीं है, कल शाम तक शायद उम्मीद लखनऊ पहुंचे। ये देखिए फाइनली शाम का 5 बजे का मौसम है, जबरदस्त सा, और समिट बिल्डिंग कमता पर है इस टाइम हम लोग। बहुत भयंकर बारिश इस साइड में हो रही होगी कहीं पे, अभी यहाँ पे पानी बरस चुका है थोड़ा सा। जबरदस्त नजारा, अंधेरे में धुंध में बादलों में खो चुकी है समिट बिल्डिंग। सो गाइस, अथर्व है हमारे साथ में, घर आ चुका हूँ मैं फाइनली, और हाय करो बेटा, हाय करो। आज इन्होंने बेबी के कपड़े पहने हैं, छोटे बेबी के, आने वाले बेबी के इन्होंने आज कपड़े पहन रखे हैं, अपने ही कपड़े उसके लिए निकाले हैं, लेकिन आज वही पहन लिया है। करो तो देखो किसके कपड़े पहने हो, बेबी के। यार बहुत तेज गर्मी लग रही है अब मेरे को, और चलते हैं चाय वाय पीते हैं, मुँह हाथ धुल करके थोड़ा सा फ्रेश होते हैं पहले, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगा, मेरा बहुत तेज़ अभी हेडेक हो रहा है फिलहाल, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय करो इधर देख के, बाय बाय, लव यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।